हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोकैड्स। ऑटोकैड्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जो बी फार्मा और एम फार्मा में ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एम फॉर्म फर्स्ट ईयर में है और बी फार्मा में भी क्या है इसका क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करें ऑटोकाइड्स की, तो ऑटोकाइड्स जो है हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है। अगर ज़्यादा ऑटोकाइड्स हमारे बॉडी में एक्टिव हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर एक नॉर्मल रेंज में, अगर एक नॉर्मल मात्रा में हमारे बॉडी में एक्टिव हो रहा है या फिर उसमें सिक्रीशन उसका हो रहा है, तो क्या है, वो हमारे लिए यूजफुल भी है। बात करें ऑटोकाइड्स की, तो ऑटोकाइड्स की अगर बात करें तो ये जैसे हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको क्रिएट भी और उसको ठीक भी ऑटोकाइड्स के द्वारा ही होता है। उसको ठीक कौन करता है, ऑटोकाइड्स ही करेगा। तो अभी बात करें क्लासिफिकेशन की, सॉरी, ये दो वर्डों से मिल के बना है। ऑटोकाइड्स जो है दो वर्डों से मिल के बना है, पहला है ऑटा और दूसरा है एक्वाइड्स। ऑटा मतलब होता है ऑटोज और एक्वाइड्स मतलब होता है एकोज, ठीक है। ऑटोज मतलब होता है सेल और एकोज मतलब होता है रिमेडीज, या रिमेडीज मतलब होता है ट्रीटमेंट या हीलिंग। बात किया जाए रिमेडीज का, आप लोग जानते हैं रिमेडीज मतलब होता है जो ट्रीटमेंट किया जाए, जो किसी भी प्रॉब्लम को हील कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिमेडीज। तो ऑटो मतलब होता है सेल, मतलब ऐसा क्वाइट्स जो खुद को ट्रीटमेंट कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटी हुई और एक्टिविटी हुई, इन्फ्लामेशन भी हुआ और खुद को ट्रीटमेंट करके खुद को ठीक भी हो गया। जैसे हम देखें तो यहाँ पे एक, इसको एक तरह से बोला जाए तो इसको लोकल हार्मोन भी बोलते हैं और ये लोकल एरिया पे काम करता है। लोकल हार्मोन मतलब ये जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा ये एक पार्टिकुलर एरिया में होगा। मान लीजिए अगर हैंड में हुआ तो हैंड में ही होगा, अगर इस हैंड में हुआ है इन्फ्लामेशन तो ऐसा नहीं होगा कि इस हैंड में हो जाए, इसका ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पे होगा वो पार्टिकुलर एरिया में होगा, पार्टिकुलर जगह पे होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑटोकैड्स और इसको इसीलिए हम बोलते हैं लोकल हार्मोन्स। लोकल मतलब एक लोकल जगह पे हो रहा है, एक पार्टिकुलर एरिया पे हो रहा है, ठीक है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई भी कीड़ा आपको हैंड में कट कर रहा है, काट दे रहा है, तब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्यों होगा इन्फ्लामेशन होगा या रेडनेस होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑटोकाइड्स एक्टिव हो जा रहा है। क्या होगा, एक्टिव होगा, तो उस कंडीशन में वो जो कीड़ा काटा है तो उसके अगेंस्ट में काम करेगा, तो वहां पे इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन होगा और फिर उसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। सपोज करिए इस हाथ में हमें कोई कीड़ा काट लिया या फिर मधुमक्खी काट ली, तो उसमें क्या होगा, ऑटोकाइड्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस होगा, दर्द होगा। जब ये इन्फ्लामेशन होगा उसके बाद से फिर ये क्या होगा, ट्रीट भी हो जाएगा, क्योंकि एक लोकल हार्मोन्स है, यहाँ पे क्या एक्टिव हो रहा है, ऑटोकाइड्स एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब बात किया जाए इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीजन और एंटीबॉडी से मिलके बनी होती है। जैसे मान लो किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, स्नीजिंग होने लगती है, रनिंग नोज होने लगता है या फिर कॉफिंग होने लगता है, तो ये इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, एंटीबॉडीज और एंटीजन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कई जगह जहाँ पे बहुत सारा धूल उड़ रहा है, वहाँ गया, उसको नोज में क्या हो गया, वो धूल के पार्टिकल्स जो है उसके अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या हुआ, वो बॉडी में गया, बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगी, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, स्नीजिंग होगी, कॉफिंग होगी, रेडनेस होगी, ये सारे चीज एलर्जी रिएक्शन हो जाएगी।
इसके अलावा और देखा जाए एलर्जिक रिएक्शन, तो रेडनेस हो जाएगा, खुजली होगी, इचिंग होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑटोकाइट्स अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में देखा जाए, अगर एक्टिव हो जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होने का मतलब, अगर ज़्यादा ऑटोकाइट्स एक्टिव हो गया तो आपको ज़्यादा स्नीजिंग होगी, खांसी होगी, मतलब ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है। तो यही इसके मतलब है, इसके बारे में ये रहा। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसको क्लासिफाई हम तीन भागों में किए हैं। कितने भागों में ऑटोकाइट्स को क्लासिफाई किया गया है, पहला है एमिन ऑटोकाइट्स, दूसरा है लिपिड ऑटोकाइट्स और तीसरा है पेप्टाइड ऑटोकाइट्स, ठीक है। अब एमिन ऑटोकाइट्स का मतलब होता है जो एमिन ग्रुप से लिया गया है, ठीक है, जो एमिन ग्रुप से लिया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, एमिन ऑटोकाइट्स। इसमें पहला है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन का रिस्पॉन्स भी हमारे बॉडी में बहुत ही नेसेसरी है, या इसका वर्क भी हमारे बॉडी में बहुत ही नेसेसरी है। तो इसका वर्क हम बाद में देखेंगे, कैसे हमारे बॉडी में हिस्टामिन एक्टिव होती है, रिस्पॉन्स करती है, ये कैसे एलर्जिक रिएक्शन को शो करती है, कैसे एलर्जी को ट्रीट करती है। उसके बाद से 5-HT सीरोटोनिन, बात करें 5-HT सीरो 5-HT को, 5-HT को हम सीरोटोनिन के नाम से ही बात जानते हैं, या 5-HYDROXYTRYPTOAMINE के नाम से भी जानते हैं। सेरोटोनिन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और इम्पोर्टेंट भी कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे बॉडी में जितने एक्टिविटी होती है इसको सारे पे कॉमन करता है ये सेरोटोनिन। तो इसके बारे में भी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। देन दूसरा है लिपिड ऑटोकाइट्स। लिपिड ऑटोकाइट्स में क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है और ल्यूकोट्राइन्स है और थ्रोम्बोक्सिजेन है, ठीक है। अब देखें हम पेप्टाइड ऑटोकाइट्स। पेप्टाइड ऑटोकाइट्स में क्या है, एंजियोटेंसिन है, ब्रेडिकाइनिन है। हमारे जो बी फार्मा में बात किया जाए तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोक्सिजेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसे वर्क कर रहा है, CNS पे कैसे वर्क कर रहा है, GIT पे कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।